मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आगाज किया। दो चरणों में चलने वाले इस अभियान का पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। अभियान के दूसरे चरण के जरिए उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो पिछले अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। फिर जनता के द्वार पहुंचेगी सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। अभियान के दूसरे चरण का हुआ आगाज। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अभियान को लेकर सरकार की मंशा के बारे में लोगों को जानकारी दी, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि पदाधिकारियों को हर हाल में लोगों के बीच जाना होगा। इस कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे वहां पर पदाधिकारियों को पहुंचकर भेजकर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था। सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय जिला कार्यालय में होता था उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आके बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है, और पिछले बार जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फाकीबाजी नहीं चलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने जहां अपनी सरकार के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगाया, वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता को भी आड़े हाथों लिया। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबको न्योता देने का काम किया है। चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहां नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं, आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। हमारे राज्य में यहाँ का एक बहुत प्रमुख नेता आज बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपवा रहे हैं भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजीब हालत है, किस मुंह से बोलते हैं, किस नीयत से बोलते हैं और किस इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ से परे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार लोगों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। कार्यक्रम के दौरान सरकार के मंत्रियों के बयान ने भी इस बात को पुख्ता किया। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए, ये योजना उन वंचित लोगों के लिए, ये जो एक कार्यक्रम उन जरूरतमंदों के लिए, वंचितों के लिए है जो शहर की ओर, ब्लॉक की ओर, जिला की ओर नहीं पहुंच रहा है, वैसे लोगों के लिए यह कार्यक्रम यह योजना वरदान साबित हुई है, आगे भी साबित होते रहे। जब तक आज तो हम लोग कैबिनेट में 1932 के आधार पर पास किया है, फिर सदन जाएगा और जिस दिन गजट आ जाएगा, गजट आने के बाद यह होगा कि हमारे लोग सारे लोग पढ़िएगा तभी 1932 का लाभ होगा। एक लाख रुपया मिलता था श्रमिकों को समान मृत्यु पर, अब हम लोगों ने 2 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाने काम कर रहे हैं,
और हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं श्रमिकों के विकास के लिए, लेकिन 50% चल रहा है। आपको बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण वैसे व्यक्तियों को समर्पित है जो पिछले अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए। अभियान दो चरणों में आयोजित होगा, पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां पिछले साल किसी वजह से शिविर नहीं लग पाया था। कुमार चंदन, जी मीडिया, गिरिडीह।